अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो लोगों, भाइयों और उनकी बहनों, मेरा तो ये पहला व्लॉग है, सो इसलिए प्लीज़ अगर मैं इसमें कोई ब्लंडर मारूं तो मुझे गरीब की थोड़ी सी इज्जत रख लेना और बख्श देना उसको। एनीवेज, अभी मैं हूँ इटली में, ओके, और इटली में मतलब इटली के शहर फ्लोरेंस में। तो इस टाइम पे मैं निकल चुका हूँ बाहर सड़क पे। वैसे तो यहाँ की हालत देख के, मतलब अभी जो मेरे आसपास का एरिया है इसको देख के तो ऐसा लगेगा जैसे मतलब मैं किसी गांव वगैरह में घूम रहा हूँ। एनीवेज, ये मेरे साइड पे, इस साइड पे जो है ये पिज्ज़ा शॉप्स हैं और साथ में फ्रूट मार्केट है, मतलब जैसे हमारे वहाँ पे मंडी होती है वो। और इस साइड पे ये सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ, मैं जो घूम रहा हूँ वो मैं नवोली के एरिया में घूम रहा हूँ, ठीक है। सो नवोली मैं जब से आया हूँ, मैं तब से इसी एरिया में ही हूँ, क्योंकि मैं पर्सनली बताऊँ, मुझे मेरा फेवरेट एरिया ही है, मुझे अच्छा लगा था इसी वजह से। मतलब मुझे काफ़ी जगहों पे, मतलब काफ़ी दफ़ा ये हुआ कि शिफ्टिंग का प्लान बना लेकिन मैं शिफ्ट नहीं किया, इधर ही रहा हूँ क्योंकि मुझे एरिया मज़े का लगता है। सो अभी मैं आपको चीज़ें बताता जाता हूँ यहाँ पे क्या क्या। पहले तो आपके भाई ने ये सोचा कि अपना मुँह सामने देखे हूँ, लेकिन फिर जब मैंने कैमरा ओपन किया तो एक दफ़ा मैं खुद डर गया, तो इसलिए फिर जो है ना मैंने प्लान कैंसिल कर दिया। और सॉरी, शायद मेरे हाथ कांप रहे होंगे सर्दी की वजह से। तो खैर, इतना बुढ़ा नहीं हुआ कि मेरे हाथ कांपना शुरू हो जाए, लेकिन सिर्फ सर्दी की वजह से कांप रहे हैं। एनीवेज, मैं क्या कहता हूँ, तुम लोग भी कहोगे कि क्या मतलब जंगल में घूम के ये मैं दिखा रहा है सड़क पे, ये मेन रोड है उनकी, ठीक है। वो सामने जो बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये जब मैं नया नया आया था तो मेरी फेवरेट थी, और काफ़ी अच्छे बाद मुझे पता चला कि ये इनकी कोर्ट है। बाय द वे, हमारे पाकिस्तान से बहुत प्यारी है और बहुत अच्छी बिल्डिंग है। और ये बेचारा जंगल में है कि इन्होंने कौन सा बनाया हुआ, जहाँ पर रात को तो बंदे को वैसे ही डर लगना शुरू हो जाए। ओके, सो अभी हम चलते जाते हैं। बाय द वे, एक चीज़ बताता चलूँ कि अगर मैं पाकिस्तान में होता तो शायद मैं इस टाइम पे सड़क पे चलते हुए मैं आपको गाड़ियां भी दिखा रहा होता, सारा कुछ कर रहा था, लेकिन यहाँ पे मैं अभी जो है मैं आपको गाड़ियों में सड़क पे चल के नहीं दिखा सकता, क्योंकि ये लोग अपने ट्रैफिक रूल्स के मामले में जो है ना काफ़ी सीरियस हैं। तो काफ़ी सीरियस इन सेंस इस तरह से कि अगर रेड सिग्नल पे मैं रोड क्रॉस कर रहा हूँ और कोई गाड़ी आके मुझे हिट कर दे तो उल्टा मुझे गाड़ी वाले को पैसे देने पड़ जाएंगे, चाहे मेरी टांगे बाजू टूट जाए, लेकिन तब भी पैसे मुझे देने हैं उनको। खैर, आप बिल्डिंग चेक करें कितनी प्यारी है इनकी कोर्ट। आहा, ये मेरी फेवरेट बिल्डिंग थी। ओके, सो यार हट जाओ गाड़ियों आगे से, मतलब नहीं। और हाँ, सबसे मजे की चीज, यहाँ के लोगों को कुत्ते बिल्लियां पालने का बहुत शौक है, हद से ज्यादा। मतलब हर घर में बच्चे इतने देखें जितने कुत्ते बिल्लियां देखेंगे, और इनके शायद बच्चे मर जाए ना इनको दुख नहीं होगा जितना इनको कुत्ते की परवाह होती है। ओके, अभी सामने सिग्नल हुआ है, रोड क्रॉस करने वालों के लिए रेड है। अभी अगर मैं क्रॉस करता हूँ तो यहाँ से किसी ने मुझे फड़का दिया, तो उसके बाद किसी ने मुझे पूछना भी नहीं है, उनके हिसाब में जा सकता हूँ। सो अब हम चलते हैं और चलते चलते जाएंगे और जाके कोर्ट के पास से गुजरेंगे, ठीक है, और उसकी बिल्डिंग देखते हैं। रुक जा भाई, नहीं अच्छा रुक जाओ, यहाँ पे मैं क्रॉस कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे कोई सिग्नल नहीं था, तो इसलिए जहाँ पे सिग्नल नहीं है वहाँ पे आपको ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे आप क्रॉस कर सकते हैं, इवन अगर गाड़ी आ रही है तब भी, क्योंकि गाड़ी रुक जाएगी। और अगर वहाँ पे अगर आपको कोई हिट करता है तो उसका मतलब है पैसा ही पैसा। अब खैर, ये हरकतें मत कीजिएगा कि आप आगे गाड़ी के आगे खड़े हो जाएं, गाड़ी फड़का दो, पता चले रात को किसी की रूह आके मेरे पास मेरा गला दबा रही हो कि हाँ भाई तूने मशवरा दिया था, गाड़ी के आगे आएगा तो पैसे मिलेंगे, तो पैसे निकाल। खैर, अभी तो आपका भाई खुद कंगला है। एनीवेज, प्लीज सच्ची कह रहा हूँ, ट्राई मत कीजिएगा। हाँ, कहीं रोड पे एक्सीडेंटली हो जाए तो उसको छोड़िएगा भाई मत, पैसे लेके जाइएगा। मैंने तो एक दफा मुझे मारी थी टक्कर, आपका भाई उड़ता हुआ गिरा था हवा में, स्पाइडरमैन, लेकिन तब भी उसने सिर्फ थोड़े से 50 यूरो पकड़ा के मुझे कहता है ये ले भाई जा, मतलब आपको भाई 50 यूरो पे खुश हो गया था। बाद में मुझे पता चला यार उसमें तो अच्छे खासे पैसे मिलते हैं, मैंने कहा लानत,
मतलब बंदा पैसे ही कम से कम ज्यादा निकलवा लेता है, और मैं पाकिस्तानी होकर ये नहीं कर सका तो फिर क्या फायदा मेरा। एनीवेज चेक करो बिल्डिंग, भाई तो वैसे आपको ऐसे बता रहा है चेक करो बिल्डिंग जैसे भाई की अपनी है, जबकि भाई जैसे बंदे को इसमें घुसने भी ना दे दिए। लेकिन मजे की है यार, और इसके सामने ये पार्क बना हुआ है, और हमारे कोर्ट्स के सामने क्या होता है कचरे वाले डब्बे पड़े होंगे, सामने लिखा होगा यहाँ पे, मैं क्या बोलूँ, पता चले यूट्यूब वाले बैन कर दें, सामने ऐड लिखा हुआ होता है यहाँ पेशाब करना मना है, कुत्ते यहाँ पेशाब नहीं करना। लेकिन उसी के नीचे बंदे बैठे हुए शुरू हुए होते हैं। और मजे की बात ये कि मैं बकवास तो किए जा रहा हूँ, और ये मेरे घर वाले सुनेंगे तो खैर चलो, जहाँ इतनी गालियाँ सुनते हैं एक दो और सी ट्रीट बन जाते हैं थोड़े से ओके। अच्छा हाँ, मेन चीज़ ये कि जब इटली में स्टूडेंट्स आते हैं तो स्टूडेंट्स के लिए जो है ना वो अक्सर लोगों को मतलब इशू होता है कि मतलब पहले क्या करना है क्या नहीं करना, तो उसकी सबसे मेन चीज़ ये होती है कि सबसे पहले आपने आके ना एजेंसी के अंदर आते होते हैं इनका एक ऑफिस, वहाँ पे जाना, वहाँ से जाके अपने कोडिक फिस्काले बनवाना होता है। वो कोडिक फिस्काले एक्चुअली आपका एक कोड होता है, टैक्स कोड होता है। फिर उसके बाद आप जाते हैं और जाके पोस्ट ऑफिस से एक जो है ना आपको किट मिलती है, जिसमें आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपने साथ अटैच करके आप परमेसो के लिए अप्लाई करते हो, ठीक है। परमेसो जैसे जो इनका एक कार्ड होता है आइडेंटिटी कार्ड टाइप का वो होता है। फिर उसके बाद आप आके ना यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन करवाते हो, क्योंकि यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन के लिए ना आपको इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत होती है, उसके बगैर आपकी यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रेशन जो है ना वो इनकम्प्लीट होती है। बाय द वे ये चेक करो, है ना क्लास की बिल्डिंग। अच्छा ये जो सामने का एरिया ना, ये रेफ्रेडी का एरिया, इधर फ्लोरेंस में तीन रेलवे स्टेशन हैं, ठीक है। एक कैंपो दी मार्ते, एक आगे आता है सेंटर में आता है सेंटर में, और एक इधर रेफ्रेडी में है। तो आज तो मुश्किल है मैं रेफ्रेडी की तरफ निकलूं, आई विल ट्राई कि कल या परसों मैं निकल जाऊंगा रेफ्रेडी वाली साइड पे, और आपको रेफ्रेडी भी दिखा दूंगा रेफ्रेडी क्या है। अब ये मैं पूछना कि सामने वाली बिल्डिंग्स क्या है, आपके भाई को इतना भी नॉलेज नहीं है इधर का, लेकिन फिर भी बिल्डिंग्स अच्छी हैं, ठीक है, प्यारी हैं। और खैर मेरी बातों पे भी फोकस कर लेना, सिर्फ बच्चे मत काटते रहना जो बीच में आ रही होंगी। ये चेक करो, चाचा जो है ना मेरे थोड़ा सा आके जो है ना फिर बोलते हैं कॉ बॉय टाइप के बने हुए जा रहे हैं। चाचा ने मुंह साइड पे करके एक दफा सुना तो है कि इसने क्या बकवास की है, एक दफा हथे चढ़ में तेरे टांगे तोड़ू, लेकिन खैर चाचा सॉरी। अच्छा हाँ, ये बात मानने वाली है यार कि इनके बुढ़े बुढ़िया भी जो है ना, मतलब बुढ़े जो बहुत ही बुढ़े हो गए वो तो अल्लाह माफी दे, पता नहीं कौन से मखलूक हैं, लेकिन बंदियाँ इनकी यार 40-50 साल की पहुंच के भी तब भी हमारी वाली 24-25 वालियों से ज़्यादा जंग लग रही होती है। अब लड़कियों को आके गालियां मत निकालें काइंडली प्लीज। अच्छा तो हाँ सच, ये चेक कर रहे हैं कितनी बड़ी है इनकी कोर्ट वाली बिल्डिंग, और बनी भी कितनी हाल है। ऊपर कैमरा भी लगा, पता चला यहीं से पकड़े मुझे ही अंदर लेके जाए। आजा भाई तुझे बहुत शौक हो रहा है देखने का, तुझे दिखाते हैं हम हाई कोर्ट कैसी होती है, जरा अंदर भी घुस। फिर आपका भाई अंदर से आपको कोर्ट दिखा रहा होगा कि हाँ जज फैसला कैसे करता है। एनीवेज गाड़ी चेक की है हमारे चिंची जैसी है, चिंची से तो बेहतर ही है, लेकिन हमारे चिंची ज्यादा बेहतर है यार, उसमें 6 बंदे पीछे बैठ जाते हैं, और रिक्शे वाले भाई का तो बस नहीं चलता, वो तो एक बंदा उठा के अपने साथ भी बिठा लेते हैं, इधर भी बैठ जाए भाई, चाहे बाद में रक्षा अगले जंप के ऊपर खड़ा होता है, फिर कहता भाई बाजी जरा हटिएगा रक्षा सीधा कर लूं, लेकिन नहीं भाई सुधर तो सकते नहीं हम लोग, हमारी फितरत में शामिल है। चलो खैर करने दो उनको जो करते हैं, हम अपनी लाइफ एंजॉय करते हैं। अच्छा वो सामने जो आ रही है ना वो लैब है, खैर यहाँ से तो नजर नहीं आएगी, तुम लोग गिलानते भेज रहे हो, मतलब इतने दूर से कौन बता रहा होता है कि वो लैब है, जैसे पता नहीं दूरबीन लगाई हुई है बीच में, जूम कर दूं नहीं खैर
पास जाके दिखाऊंगा, ऐसे ही दूर से दिखा दूं। चेक किया, अब ये बिल्डिंग खत्म हुई है कोर्ट वाली। अच्छा दूसरी चीज ये कि जो स्टूडेंट्स होते हैं, स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ा फायदा क्या है कि यहाँ की पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री है उनके लिए, मतलब बसेस, यहाँ पे कोर्सेज चलती है ट्राम। वो मैं देखूंगा अगर मैं वापसी पे होता साइड से गया ना तो मैं आपको दिखाऊंगा ट्राम। वो ट्राम जो है ना वो भी फ्री होती है। कैब में काइंडली ना बैठ जाएगा, कैब बहुत एक्सपेंसिव है यहाँ पे। मतलब एक गली उसने घुमा के दूसरी गली में आपको उतारना होगा ना 20-30 यूरो, तो वैसे ही मजाक में मांग लेगा कि भाई ये लो दे दो। और फिर उसके बाद आपकी शक्ल जो है ना वैसे हुई भी होगी जैसे अक्सर जुम्मे के दिन बाहर मस्जिद के बाहर चंदा मांगने वाले बैठे हुए होते हैं। सो इसलिए मेरा मशवरा यही है कैब से दूर में। और ये है यहाँ का पार्क, ठीक है। और इस पार्क में भी चल रही है थोड़ी बहुत कंस्ट्रक्शन, पता नहीं बनाने की या कोशिश कर रहे हैं, लेकिन खैर बना लो। अच्छा ये चेक किया आंटी, रेड रेड कोट में आ रही है। भाई ये कौन सा कुत्ता मेरे पीछे पड़ गया, क्या हो गया भाई, मजाक कर रहा था तू किसी।